बस सजनों दृढ़ विश्वास रखिए, आपत्ति आए विपत्ति आए चाहे कुछ भी आए महाराज, आपत्ति आए विपत्ति आए कुछ भी आए, पर हमारा संबंध भगवान से जो है बस वो संबंध भगवान से हमारा रहना चाहिए, जो ठाकुर से हमारा संबंध है। अच्छा एक बात और, हमारे जीवन में कोई कमी होती है, बेटे की अगर कमी है या कोई भी बेटे की कमी है, कोई भी हमारे जीवन में कमी होती है, तो सजनों हम लोग रोते हैं, हमारे ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है। आप जानते हो भगवान ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ठाकुर ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा बनकर के मैं रहूं, तुम बेटा मुझे मानो। हम रो रहे हैं हमारे बेटा नहीं, हमारे बेटा नहीं, बेटा तो कर्मा भाई के भी नहीं था। अगर शरीर से ही बेटा पैदा होता है उसी को अगर बेटा कहें तो कर्मा भाई के भी नहीं था, पर कर्मा भाई ने मेरे ठाकुर को अपना बेटा मान लिया कि ये ठाकुर मेरा बेटा है। और आप देख लो कर्मा भाई रोज खिचड़ा खिलाया करती थी ठाकुर को, हाँ बिना नहाए बिना धोए। एक बार पंडित जी आकर के बोले, कर्मा तू बावली हो गई क्यों? अरे ये परमात्मा है भगवान है और भगवान को तू बिना नहाए धोए खिला देती है, कल से नहा धो करके फिर खिचड़ा बना करके खिलाना। अगले दिन महाराज कर्मा बिचारी जाट की बेटी थी, घर का काम हम करने लगी, खिचड़े में देरी हो गई, रोज तो खिचड़ा चढ़ा करके काम में लग जाती थी, अब आज काम करके सब और उसके बाद में नहा धो करके खिचड़ा बनाना है, पंडित जी बोल करके गए, भगवान आ गए, माँ ला खिचड़ा। नहीं प्रभु आज मुझे ज्ञान हो गया। अरे क्या ज्ञान हो गया? कि आपको बिना नहाए धोए खिचड़ा बना करके खिलाना ठीक नहीं है, ये ज्ञान हो गया मुझे। मैं पहले नहाऊंगी धोऊंगी फिर खिचड़ा बनाऊंगी। भगवान बोले, मेरी माँ तुझे ये ज्ञान दे के कौन गया? बोले पंडित जी आए थे ज्ञान दे करके गए। अब भगवान खूब समझा रहे हैं लेकिन कर्मा भाई समझने को तैयार नहीं है। क्यों? भले ही भगवान है लेकिन कर्मा के लिए तो बेटा है ना, और बेटे की बात जल्दी से माँ बाप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन बेटा तो माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है, कि छोटा ना समझ आइए चाहे कितनी भी समझदारी की बातें करे। देखिए संबंध ऐसा होना चाहिए परमात्मा के साथ कि हमारे जीवन में भगवत्ता नहीं आए उनके लिए, बस वही संबंध जो हमने बनाया है ना परमात्मा से उसके ऊपर ही हमारा भाव रहे, प्रेम रहे। और सजनों अंत में जब भगवान नहीं माने, भगवान की बात कर्मा ने नहीं मानी, तो भगवान ने पंडित जी को जाकर के स्वप्न में कहा, पंडित जी कहां मेरी माँ को उल्टी सीधी बात करके आ गए? अरे माँ अपने बच्चे को कैसे भी खिलाए कैसे भी पिलाए, इसमें कोई दोष थोड़ी होता है, माँ तो माँ होती है। अशुद्ध अवस्था में माँ भले ही भोजन बनाए या न बनाए पर कभी ऐसा थोड़ी होता है कि बेटे को दूध नहीं पिलाएगी। कहीं लिखा है शास्त्र में कि साहब उसमें बेटे को दूध नहीं पिलाना चाहिए? लिखा है मंदिर मत जाओ, खाना मत बनाओ, ये मत करो वो मत करो, पर कहीं ये लिखा है क्या कि बच्चे को दूध मत पिलाओ? विचार करो, मेरा ठाकुर भी तो मैंने आपको बताया ना कि ठाकुर से आप जो रिश्ता बनाओगे ठाकुर वैसा ही रिश्ता निभाएगा। भगवान कहते हैं तुम जो सोचते हो जो विचारते हो मैं वैसा ही बन जाता हूं, तुम जो सोचते हो जो विचारते हो। अगर मंदिर में जाकर के तुम कहो कि भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ साहब मैं पत्थर की मूर्ति हूँ। तुम कहो कि भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, हाँ साहब मिलना बड़ा कठिन है। और तुम कह दो कि भगवान तो हमारे अपने ही हैं, मिले मिलाए हैं, बिल्कुल मिला मिलाया। जागी रही भावना जैसी, जागी जागी नहीं भावना जैसी, जागी नहीं भावना जैसी, जागी
जाकी रही भावना। इसलिए भैया आप भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, पाठ करते हो, और पाठ करते करते समय जो विचार करते हो, अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, क्योंकि जो पाठ कर रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, आप यहाँ कथा में बैठे हो, ये कल्प वृक्ष है, यहाँ बैठ करके अगर अच्छा विचार करोगे तो अच्छी भावना पूर्ण हो जाएगी, और गलत विचार करोगे तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। कैसे? चलो यहाँ तो आप लोग बिल्कुल सिलेक्टेड बैठे हुए हो, जो सिलेक्टेड मतलब जो बहुत लिमिट, क्योंकि भाई गर्मी का समय है, पंडाल में आजकल बैठ नहीं सकते, एयर कंडीशनर वातावरण आजकल सबको चाहिए, और एयर कंडीशनर तो सिलेक्टेड जगह ही होती है। लेकिन जब ज्यादा भीती है भयंकर, जैसे गंगापुर सिटी हमारा 1 तारीख से जो 1 जुलाई से कार्यक्रम है हमारा, जो 10,000 की भीड़ भयंकर महाराज, दूर दूर तक मुंडिया ही मुंडिया दिखे। हाँ, अभी नानी भाई का मायरा हुआ था, वहां पर पूरा मैदान छोटा पड़ गया था हमारा, जितने प्रेमी भक्त हैं गंगापुर सिटी के। बिहार में अभी कार्यक्रम हुआ था महाराज, बिहार हसनपुर, अरे वहां भी क्या प्रेमी लोगों ने तो बिहार को बदनाम ही कर रखा है। पर सजनों, बिहार में भक्तों की भी कमी नहीं है, मेहनत करने वालों की भी कमी नहीं है, कुछ नेताओं और कुछ लोगों की वजह से बिहार बदनाम है, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से। बाकी महाराज देखो आप कितने लोग आनंद के साथ में, महाराज क्या प्रेम है, क्या भाव है। तो जब इतनी भीड़ होती है तो सभी लोग कथा के भाव से तो आते नहीं है। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि भागवत कैसे कल्पवृक्ष है, उसको समझो आप। सभी कथा के भाव से तो आते नहीं है, कुछ कथा सुनने आते हैं तो उनको कथा में अच्छी बात भी मिल जाती है, कुछ अगर मान लो उसकी कमी देखने के लिए आते हैं तो कमी भी मिल जाती है। आप कमी देखने के भाव से बैठिए, आपको कोई ना कोई कमी दिखाई दे जाएगी, सुनाने वाले में भी और कथा का आयोजन करवाने वाले में भी कोई ना कोई कमी मिल जाएगी आपको। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी भाव से आ जाते हैं भीड़ में कि चलो कोई गले की चैन वैन जो भी, तो वो भी मिल जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, लेके चला जाता है। हाँ, जबकि हम लोग बहुत समझाते हैं कि भीड़ भाड़ में ये चैन वैन पहन करके मत बैठा करो, तुम्हारे दिल में तो चैन है नहीं है, गले में तुम चैन दिखा रहे हो। अरे चैन तो दिल में होनी चाहिए भाई, दिल से तो आज हर आदमी बेचैन है, और गले में महाराज सब चैन 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 चैन, कोई ना कोई आता है तोड़ करके ले जाता है, वो खुद तो बेचैन होता है, वो होता ही है, और महाराज सबको बेचैन और कर देता है, तो वो भी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये विचार करते हैं कि चलो चप्पल पुरानी होगी नई कर लाते हैं। तो भीड़ भाड़ में आते हैं, चप्पल लेके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन लेकर के चला गया। जैसी भावना से आओ आप, वैसी भावना आपकी पूर्ण होती ही होती है, वो कल्प वृक्ष है। तो जो कभी भी कथा में बैठो, पूजा में बैठो, पाठ में बैठो, मंदिर में बैठो, भगवान के आगे बैठो, तो अपनी भावना में विकृतियां बिल्कुल नहीं, उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी नहीं। ठाकुर का ध्यान होना चाहिए, और बस एक ही बात होनी चाहिए, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे रिश्तेदार नातेदार हमसे दूर चला जाए,
हमारा विरोध कर बैठे। बेटा बहू कोई हमसे दूर हो जाए, रोएगा कौन जिसको राम जी अपने नहीं लगेंगे, जिसको श्याम जी अपने नहीं लगेंगे। उसे लगेगा मुझे सबने छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। अरे पगले, जो तूने ठाकुर से रिश्ता बनाया था उसे भूल गया? अगर ठाकुर से बनाया हुआ रिश्ता तुझे याद है, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे पति का हो, पत्नी का हो, दुश्मन का हो, कोई भी तूने जो ठाकुर से रिश्ता बनाया था, तो ठाकुर तो तेरे साथ है, फिर तू अकेला कैसे है? तो जब भी तुम्हें ये लगे कि मैं अकेला हूं, दुनिया में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तब इस कीर्तन को गुनगुनाना, ठाकुर के पास बैठ के मैं कैसे अकेला हूं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हमारे हम राम जी के राम जी हमारे।